नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बहुत ही मजेदार मजेदार तरीके, मजेदार मजेदार अप्रोच जो आपको पेपर और सवाल लगाते समय काफी ज्यादा हेल्प करने वाले। मेरे प्यारे भाई, 999, 999, 9999, मतलब 999, 999 से कैसे हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर किसी भी संख्या के साथ। ये देखिए, नंबर दिखा, 9 का मल्टीप्लाई हो, तो आपको करना क्या है, जितने 9 रहेंगे, 9 की संख्या यहाँ कितनी है, एक बार, तो एक जीरो लगा के सेम नंबर को माइनस कर, माइनस जैसे ही करेंगे यहाँ से आंसर आ जाएगा 280। कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका वजह ये है कि 32 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करना है तो 9 को हम लिख सकते थे 10 माइनस 1। अब इसको जब ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा तो 32 का एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा और 32 का एक से मल्टीप्लाई होगा। मेरे प्यारे भाई, यही वो कारण है कि जितने 9 की संख्या होगी, यहाँ 9 एक बार यूज में आ रहा है, मतलब एक बार आ रहा है, तो एक एडिशनल जीरो लगाकर सेम नंबर को, 32 है तो 32 को माइनस कर देना। आप देख सकते हैं वही चीज दिख रहा है, एक बार 9 है तो एक जीरो आया और उसी नंबर का हम लोग सब्ट्रैक्शन कर। अब हम पेपर में जल्दी से परफॉर्म करेंगे। एक बार 9 दिखा, इस 9 को इग्नोर करिए, जो इसके साथ नंबर आया है उसमें एक जीरो लगाकर सेम नंबर को माइनस कर दीजिए। अब यह नंबर क्या है, 421, तो 421 को माइनस कर, तो यहाँ से माइनस करने के बाद तो आसानी से देख लीजिए, 10 में से ये हो गया, 10 में 8 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 378। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है 12 × 99, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ 2 बार 9 आ रहा है, 2 बार 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे और सेम नंबर को माइनस कर लेंगे, 12 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 811, तो 1188। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कभी भी 9 जितनी बार यूज हो और नंबर की भी डिजिट उतनी ही बार हो, जैसे यहाँ पर 12 में 2 डिजिट यूज हुए जबकि 99 भी 2 डिजिट, तो उसमें और भी फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है। आप क्या करेंगे कि नंबर को एक डिक्रीज करके लिख देंगे, मतलब 12 को एक कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब इस 9 में से 1 को सबट्रैक्ट करिए, घटाइए तो 8 बचेगा, इस 9 में से 1 को सबट्रैक्ट करिएगा तो 8 बचेगा, तो आंसर आएगा 1188। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं दोनों सेम ही दिख। एक और समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। सपोज करिए कि यहाँ पर एक नंबर है 147999, तो आप देखेंगे कि संख्या भी 3 डिजिट का है और 9 भी 3 डिजिट यहाँ यूज में, तो हम ये करना ये चाह रहे थे कि इसको एक कम करके लिख देंगे, तो 147 को एक कम करेंगे तो 146 आ जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बन के आएगा 14685। इसी प्रकार से हम यहाँ देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिए, 429 में 99 से मल्टीप्लाई करना। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर डिजिट टोटल है 3 जबकि 9 केवल 2 बार आ रहा है, मतलब स्पेशल केस को फॉलो नहीं कर रहा था। आप जनरल तरीका तो हर जगह लगा सकते हो, तो जनरल तरीका ये कहता है कि जितने 9 की संख्या हो उतने 0 लगा देंगे, तो नंबर के साथ 2 बार 0 लगा के और सेम नंबर को माइनस कर लीजिए, मतलब ये संख्या 429 को सबट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 4 गया 4, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से आंसर आ जाएगा 4247। उम्मीद करते हैं बड़े आराम से आप चीजों को समझ रहे होंगे। ये स्पेशल केस था। स्पेशल केस क्या है कि जितने 9 की संख्या होगी उतने ही डिजिट, जितने 9 की संख्या होगी उतने ही डिजिट में अगर संख्या है तो आप बड़े आराम से स्पेशल केस यूज कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या भी 4 डिजिट की है, टोटल 4 अंक यूज हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, और 9 की संख्या भी काउंट करिए तो 4 ही बार है। आप इसे जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, स्पेशल तरीके से भी कर सकते हैं। जनरल तरीका ये कहता है कि जितनी बार 9 यूज हुआ है
उतने जीरो लगा लीजिए, जितने बार 9 यूज हुआ है उतने जीरो लगा लीजिए, 4 जीरो लगा लिया, और संख्या को घटा लीजिए, 4374 को घटा लीजिए। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, दूसरा तरीका स्पेशल केस लगाइए, तो 4374 को एक कम करके लिख लीजिए, 4374 को एक कम करके लिखेंगे तो 4373 हो जाएगा। मतलब अगर हम कम करके लिखेंगे तो 4373 डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहां से 4373 मतलब एक कम करके लिखना। अब 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए 6, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए 2, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए 6, जो आपका रिजल्ट बन के आएगा 4373566। उम्मीद करते हैं तभी मेरे प्यारे भाई कि 999 999 या कोई भी ऐसा जिसमें केवल 9 का यूज हुआ हो और किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, बड़े आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते। मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन के बेहतर करने का केवल एक ही तरीका है, आपको इस पृथ्वी पे कोई भी आदमी कैलकुलेशन मजबूत नहीं करा सकता सिवाय आप। ये मैंने जो आपसे डिस्कस किया ये तरीके थे, मैंने कैलकुलेशन आपकी मजबूत नहीं करवाई, आपको कैलकुलेशन मजबूत करने में आपका अहम रोल होगा। जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या जो बातें आप मेरे से सीखे हैं इसको आप अपने प्रैक्टिस में लाइए, जब आप सवाल सॉल्व करते हैं जहां पर भी ये 9 का मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, जब भी आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं 9 का मल्टीप्लाई करना यूज में आ रहा था, आप इन चीजों को अप्लाई करिए। एक दो बार तीन बार अप्लाई करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप ये हैबिचुएटेड हो जाएंगे, जब इसके आदी हो जाएंगे, तो आप जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो ये तरीके को आप इन्वॉल्व करेंगे, उसमें शामिल करेंगे, और आपकी स्पीड अल्टीमेटली वो रिड्यूस होते चला जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ पेपर में सवाल ये नहीं आएंगे, लेकिन इसके बिना सवाल भी नहीं बनेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कोई नहीं पूछने जा रहा है कि भैया इसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो ये हर एक मोड़ पे आपको रुकावट पैदा करेगा। उस रुकावट को दूर करने के लिए, उस रुकावट को हम हटाने के लिए ऐसा काम करना चाह रहे हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो इन चीजों को अपने प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें, अपने कैलकुलेशन में शामिल करें, जिससे आप थोड़ी से फास्ट होते चलें, कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व करते चलें, कहीं पर भी आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।